Hello, my dear friends. Welcome again in my YouTube channel. In this lecture, I will tell you about the basics of male reproductive system. अगर हम लोग male reproductive system के students बात करें, तो जो male reproductive system है, उसमें बहुत सारे parts हैं, जैसे कि आपको screen पे दिख रहा है, testis होती है, testicle लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा point अगर हम लोग testis के अलावा बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे vas deferens है, कि आपके स्क्रीन पर ये है और यूरेथ्रा है और कुछ एसेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, हॉपर्स ग्लैंड्स हैं, ये सारी कुछ बातें हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक पेयर्ड गोनाड्स है जो कि मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है जिनका नाम होता है स्पर्म। और आपको मैं बता दूं जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स। और दूसरी बात अगर हम लोग ये करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो टेस्टिस हो गया, दूसरी चीज है हमारे पास जो टेस्टिस सिक्रेट करेगा वो कुछ हार्मोन को सिक्रेट करेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट होती है लूज फोल्ड ऑफ स्किन और स्क्रॉटम के जस्ट प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टेस्टिस होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको कि हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्रॉटम है ये मेल बॉडी के आउटसाइड द बॉडी क्यों रहता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर को रिड्यूस करना होता है, दो से तीन डिग्री टेम्परेचर इसको रिड्यूस करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको प्रॉपर हमें क्या करना है एक्टिव मोड में रखना है, उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे टेस्टिस जो है वो एक्चुअली फॉर्म्ड है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी के विद इन है और शॉर्टली बिफोर द बर्थ दे विल डिसेंड थ्रू एन ओपनिंग विच इज कॉल्ड इंग्यूइनल कैनाल, वो यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी जो एपिडाइडिमिस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो एपिडाइडेमिस है सेमिनिफेरस ये जो टिब्यूल्स होती हैं, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिस है वो एक टफ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसके पास कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं और उस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक लोब्यूल में नंबर ऑफ लॉन्ग और कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं यहाँ पर टेस्टिस की बात करें तो। और अराउंड द टिब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टीशियल और लेडिक सेल्स बोलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ये ओपन होते हैं स्पेस में अलॉन्ग विद द इनर साइड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम वेयर नंबर ऑफ स्मॉल टिब्यूल्स इमर्जेस एंड दैट विल फ्यूज इन द हेड ऑफ एपिडाइडेमिस। और दूसरी बात हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे वास डिफरेंस की, हर एक टेस्टिस से ओरिजिनेट हो रहा है एक शॉर्ट ट्यूब जिसको कि हम लोगों ने वास डिफरेंस बोला है, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ टेस्टिस से ये वास डिफरेंस ट्यूब जा रहा है एंड दैट गोज अप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। और यहीं पर आप यूरेथ्रा देख रहे हैं जो कि यूरिन के लिए एक जब हमारा किडनी यूरिन को फिल्टर करती है तो वो यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरेथ्रा से आउट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वास डिफरेंस है फ्रॉम बोथ द साइड्स इट विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट विल ओपन इन टू अ कॉमन ट्यूब विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये यूरेथ्रा। और ये जो पेनिस है ये कॉमन पैसेज है यूरिन के रिमूवल के लिए और स्पर्म्स के रिमूवल के लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा पासिस थ्रू द ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। ये जो यूरेथ्रा है ये पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विच इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी मसल टिश्यू। और ये जो टिश्यू है जब वो ब्लड वेसल से फिल्ड हो जाती है तो वहाँ पे पेनिस हमारा इरेक्ट हो जाता है, इरेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड यूरेथ्रा इन द पेनिस रिसीव्स बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन एंड इट विल ओपन आउटसाइड थ्रू ए मेल जेनिटल पोर। और कुछ हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लैंड्स की, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल जो है वो सिक्रीट करेगा एक सेमिनल फ्लूड जो कि स्पर्म की मोबिलिटी और वायबिलिटी को बढ़ाएगा। और ये यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड आपको दिख रहा है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और इनके सेक्रीशन डायरेक्टली वास डिफरेंस में पोर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेमिनल वेसिकल है, इनके डायरेक्ट ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कि वास डिफरेंस में पोर कर दिए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड
जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स, ये सिक्रेट करेगा एक फ्लूड जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, और ये जो जितने भी सिक्रीशंस हैं इनको यूरेथ्रा में पोर कर देता है, और आप देख रहे हैं कि यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट्स ग्लैंड्स और है जिनका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ये एक म्यूकस को सिक्रेट करते हैं ताकि जो हमारा यूरेथ्रा है उसको लुब्रिकेट कर सके, और ये बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके नीचे मिलेगा, एंड दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द यूरेथ्रा में अपनी सिक्रीशंस को पोर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल एज वी आर डिस्कसिंग दिस वीडियो सीरीज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव any discussion or any queries regarding this topic, you can write me in comment box, and for detailed discussion you can join me for my online classes. In that online lecture you can connect with me live and you can ask your queries. So if you are not satisfied this video, if it means if you want detailed discussion of this male reproductive system, you can join me online. So for more details you can contact me on my contact number. Thank you, my dear students. I hope we will meet soon. Tab tak ke liye, all of you, take care. Bye bye.